शाम 5 बजे होगा नीतीश सरकार का शपथ समारोह। शाम 5 बजे की जानकारी दी जा रही है कि 5 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 लोगों के बारे में अभी शुरुआती तौर पर जानकारी आई है, हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है 8 लोग हो सकता है शपथ ग्रहण में शामिल रहे यानी शपथ लें। हमारे साथ रूपेश शामिल है। रूपेश, 5 बजे के बारे में जानकारी दी जा रही है, पहले 7 बजे कहा जा रहा था, 5 बजे ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ बिल्कुल, देखिए 5 बजे शाम को आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और ये ख्याल रखा गया है कि 3 JDU कोटे के, 3 BJP कोटे के, 1 हमसे और 1 निर्दलीय, या एक बैलेंस रहे, जो 4 खेमा है या 4 दल हैं कहें, निर्दलीय भी अपने आप में एक दल है, ये माना गया है। और दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी को प्रतिनिधित्व में कमी नहीं की गई है, लिहाजा सुमित सिंह जो नरेंद्र सिंह के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको भी पद की शपथ, मंत्री पद की, वो भी शपथ लेंगे। और प्रेम कुमार जो BJP कोटे के हैं, इस बार, पिछली बार उनको ड्रॉप कर दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष उसके पहले उनको बनाया गया था, लेकिन पिछली बार जब 2020 के बाद जो सरकार बनी थी BJP की और JDU की, उसमें उनको ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन इस बार प्रेम कुमार को पहली लिस्ट में, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जो तीसरे मंत्री पद की शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें प्रेम कुमार का नाम शामिल है। और विजय चौधरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पंकज ने हालांकि सबके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन विजय चौधरी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों विजय चौधरी को शामिल किया गया है, अशोक चौधरी और संजय झा को शामिल नहीं किया गया है। विजय चौधरी ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक तो हैं ही, और सबसे विश्वस्त नेताओं में से हैं विजय चौधरी, जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बारी आई थी, क्योंकि अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे भाजपा हो, RJD हो या फिर JDU हो, अगर अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है तो अपने सबसे विश्वस्त में, खासकर बिहार में जो पलटीमार जो राजनीति चलती है, ऐसे में कभी राजभवन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके बाद जब विश्वास मत हासिल करना होता है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब बारी आई थी विधानसभा अध्यक्ष की, तो नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी को ही वो कुर्सी दी थी, जो संजय झा BJP से JDU में आए, अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहाँ से छोड़कर वो JDU में आए, फिलहाल विश्वस्त हैं, लेकिन विजय चौधरी वो नेता हैं कि नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं, कि अगर आज नीतीश कुमार के साथ अगर एक मंत्री कोई शपथ लेता तो वो शायद विजय कुमार चौधरी ही होते, लिहाजा विजय चौधरी आज नीतीश कुमार के साथ शपथ ले रहे हैं। सुमेश, लेकिन जब आप विश्वस्त की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो सियासत में अब ये शब्द बहुत छोटा लगता है, कौन किसका विश्वस्त है और कौन किसके विश्वास का है, ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन अक्कू जी, जो अभी की स्थिति हम देख रहे हैं, खास तौर से लालू प्रसाद यादव को लेकर के देख रहे हैं, बिहार के सेंटीमेंट्स कास्ट बेस्ड सेंटीमेंट्स कहे जाते हैं, BJP को उम्मीद है कि राम मंदिर से उसका एक बड़ा सेंटीमेंट, एक बड़ा चंक उसके साथ आ सकता है, लेकिन क्या बिहार में वो जो कास्ट वाला सेंटीमेंट है उस पर राम भगवान का, जो भगवान श्री राम का सेंटीमेंट है, वो हावी हो सकता है, या फिर लालू प्रसाद यादव वहां इमोशनल कार्ड खेल करके कुछ चीजें अपने पक्ष में कर सकते हैं? देखिए, जहां तक लालू प्रसाद यादव का सवाल है, तो लालू यादव और या RJD, इसका जो वोट बैंक है लगभग तय रहा है, कैसी भी स्थितियों में हो तय रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको डेंट करने की कोशिश की है, पहले विधानसभा चुनाव में भी हाल में जो हुए उसमें एक और यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे डेंट होने की उनकी संभावना है, थोड़ा बहुत संभावना है, देखते हैं उसमें होता कितना, क्योंकि नतीजा तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन सत्ता में रहते हुए किसी यादव परिवार को इतनी बड़ी स्थिति देना, ये एक बड़ी चुनौती होगी जिसका ये सामना करने जा रहे होंगे RJD वाले। RJD के सामने समस्या ये है कि अपना वोट बैंक कैसे बचाएं आने वाले दिनों में, और उसको कैसे बराबर बनाए रहें। अभी तक बनाए रखा है और ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंट होने की संभावना भी नहीं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो उसका वोट बैंक है उसमें 2-3-4% की सेंध ऑलरेडी लग चुकी है। बाकी आगे अपने कामों से कितनी लगा सकते हैं, भगवान राम के नाम पे कितनी आगे कर सकते हैं, कितना उनको और जंगल राज के नाम पे उनका कम करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। लालू यादव के जंगल राज के क्रेडिट को लेकर के वो बहुत सारा पहले भी सत्ता चला चुके हैं, अब भी वो उस भूमिका में आ सकते हैं, वो ये कहने में हिचकेंगे नहीं कि पिछले दिनों
जो हत्याएं हुई हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति हुई है, मुझे काम नहीं करने दिया गया है वगैरह वगैरह, इस तरीके की आरोप लगाएंगे या फिर डबल इंजन की सरकार, विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई, क्या वो मुद्दे होंगे और उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, क्या ये जो मुद्दे हैं एक बार फिर आरजेडी पे, क्योंकि वो आरजेडी पर आरोप लगाते रहे हैं और अभी भी कहा उन्होंने कि जो चल रहा था वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, हालांकि उतने आक्रामक हैं नहीं नीतीश उनके खिलाफ, तो क्या ये आक्रामकता और बढ़ेगी आरजेडी के खिलाफ? आप पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी पटना दफ्तर के बाहर जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे ही नई सरकार के गठन की घोषणा हुई है बीजेपी के समर्थन से, अब एक नई सरकार बनने जा रही है और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये तस्वीर है क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में है। लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन अब सरकार में आ रहे हैं और यहाँ पर उस नई सरकार की खुशी, नई सरकार का जश्न जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर पटना के बाहर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने होली भी मनाई है। आप लोग देश में राम को लाए हैं और बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा को लाए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी के साथ सभी नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूं और खास करके बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा भाजपा मजबूत होगा और जो आज सरकार बनी है इसके लिए तहे दिल से। आप लोग नीतीश कुमार को पलटी कुमार कहते थे, यही अब रंग है बिहार का, भगवा रंग। अब पूरे बिहार का यही रंग है, भगवा रंग। भारत के और बिहार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा आगे बढ़ेगा बिहार। चलिए देखिए, जैसे जैसे चीजें बदलती है वैसे वैसे विचार भी बदल जाते हैं, बयान भी बदल जाते हैं। लेकिन रुपेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जो उम्मीद कर रही है, जेडीयू का जो वोट है, क्या वो बदल पाएगा? वो बदल करके क्या बीजेपी को मिल पाएगा जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी ने जेडीयू के साथ ये गठबंधन किया है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, सरकार में कितने मंत्री किसके होंगे ये तो हो गया, लेकिन लोकसभा सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें अपर हैंड बीजेपी का रहेगा पिछली बार के मुकाबले, क्या इस बार नीतीश को कम सीट्स मिलेंगी? ये आपका जो पहला सवाल है, पिछले कई बार से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वोट भी ट्रांसफ़र होता है और कार्यकर्ता भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। पिछली बार जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था, उस वक्त बहुत फील्ड में दिक्कतें आई थी और ये आरजेडी के नेताओं ने भी कहा था कि जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं, 17 सालों की यारी थी, वो जब टूटी थी उस वक्त मुश्किल हुई थी। लेकिन पिछले दो बार से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता, जैसे गठबंधन टूटता है या गठबंधन बनता है, दोनों का वोट भी ट्रांसफ़र होता है और दोनों के कार्यकर्ता भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे में चाहे जेडीयू के नेता हों, जेडीयू के नेताओं को मैंने ये हाँ सुना जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो 2024 में तो सबको जय श्री राम का ही भरोसा है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वोट पहले से ज़्यादातर बीजेपी के पास ट्रांसफ़र है ही, तो 2024 के लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है।